नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का है और एक बार राजेश खन्ना से एक पत्रकार ने आखिरी दिनों में एक सवाल पूछा। सवाल ये कि आखिरी बार आप कब रोए थे? राजेश खन्ना ने कहा, एक मिनट पहले ही जब बारिश हो रही थी। मैं बारिश में रोता हूं ताकि किसी को पता ना चल सके कि मैं रो रहा हूं। राजेश खन्ना ने एक बार कहा कि एक डायरेक्टर हैं अशोक त्यागी, उनसे कहा तो आप हमारे साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। राजेश खन्ना ने फ़ोन पर बात करते हुए ये बात कही थी और उस पल मुझे लगा कि शरीर बूढ़े हो जाते हैं पर आवाज़ें बूढ़ी नहीं होती। ये बात फिल्म डायरेक्टर अशोक त्यागी ने राजेश खन्ना की आवाज़ पहली बार फ़ोन पर सुनते हुए कहा था। अशोक त्यागी पहले देवानंद के साथ रिटर्न्स ऑफ ज्वेल थीफ और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भारत भाग्य विधाता बना चुके थे, भारत भाग्य विधाता, और अब वो राजेश खन्ना के साथ हॉलीवुड क्लासिक गॉडफादर पर आधारित एक फिल्म बनाना चाहते थे। ये फिल्म थी रियासत, जो कि साल 2014 में आई और राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म साबित हुई। राजेश खन्ना ने दिल्ली में अपने ज्योतिषी दोस्त भरत उपमन्यु को अपनी कुंडली दिखाई और उन्हें पूरा यकीन हो चला था कि उनके जीवन में अच्छा समय जल्द ही आने वाला है। पत्रकार पंकज वोहरा के मुताबिक राजेश खन्ना ने इन दिनों शायद तमिलनाडु में अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची थी। इससे मिले पैसों से उन्होंने इनकम टैक्स से अपना बंगला छुड़ाया और उसमें मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। अशोक त्यागी के साथ राजेश खन्ना की मुलाकातें होती रहती, अलग अलग स्क्रिप्ट्स पर दोनों की चर्चा भी होती रही। इस तरह साल बीतते रहे और आखिरकार 1 जनवरी 2011 को राजेश खन्ना ने अशोक त्यागी को बुलाया और कहा कि फिल्म शुरू की जाए। काफी कोशिश के बाद आखिरकार 25 फरवरी 2011 को फिल्म रियासत की शूटिंग शुरू हुई। अशोक त्यागी बताते हैं कि अमिताभ बच्चन फिल्म सरकार में ऐसे ही डॉन का रोल निभा चुके थे। काका जी ने मुझसे सरकार और गॉडफादर दोनों की डीवीडी मंगवाई और बैठ कर देखी। फिर जब वो सेट पर आए तो बिल्कुल अलग राजेश खन्ना थे। ये उनकी बिल्कुल अलग परफॉर्मेंस है, आप इसे देखकर हैरान रह जाएंगे। अपना पूरा अंदाज बदल दिया और उन्होंने इस रोल के लिए, साथ ही शूटिंग के समय वो कभी मॉनिटर नहीं देखते थे। बोलते थे हमारे ज़माने में कहाँ मॉनिटर होते थे। फिल्म का बजट कम था और अशोक पहले राजेश खन्ना का काम निपटा लेना चाहते थे। अगले 3 महीने में राजेश खन्ना के 90% सीन्स की शूटिंग पूरी कर ली गई। आखिरी शेड्यूल में क्लाइमेक्स के कुछ सीन रह गए थे जो कुछ दिनों में ही शूट होने वाले थे। जून 2011 में राजेश खन्ना की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और फिर उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अशोक त्यागी बताते हैं कि शूटिंग के करीब महीने भर बाद जब वो राजेश खन्ना से मिलने गए तो हैरान रह गए। वो बेहद कमज़ोर हो गए थे और उनका वज़न अचानक से बेहद कम होने लगा था। अशोक बताते हैं कि उस दिन उन्होंने हमारे साथ चाय पी तो हम हंसने लगे कि काका जी आज तो आपके साथ चाय पी रहे हैं। वो धीमी आवाज़ में बोले, पिक्चर पूरी कर लो। मैंने कहा कर लेंगे, आप ठीक तो हो जाइए। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए। मैं तो नहीं जानता था लेकिन उन्हें शायद पता था कि ठीक होने के हालात से वो बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।